आज जो हमने बुलाया है ये एक मुख्तलिफ किस्म का था। हमने इसमें एकेडमिशिया बुलाई, हमने सिविल सोसाइटी बुलाई, हमने एक्सपर्ट बुलाए हैं, हमने इंजीनियर्स बुलाए हैं, हमने एनवायरमेंट्स बुलाए हैं, और हमने जो है सलीम बेग साहब थे और इंजीनियर, हमने प्रैक्टिकली जो वहाँ सिचुएशन है होकर सर में आज के दिन में वो हमने सारी दिखाई। और पिछले 3 साल कश्मीर जो हमारा एरिया है, वी वर लकी इनफ टू हैव वेरियस रिसोर्सेज, चाहे वो आपको वाटर बॉडीज़ की सूरत में हों, फॉरेस्ट की सूरत में हों, या बाकी जितने सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो ये ह्यूमन ग्रीड है, वी हैव यू नो डिटीरियरेटेड दीज रिसोर्सेज। अब इन हालात में अगर ऐसे वर्कशॉप्स किए जाते हैं तो ये हमारे लिए कॉमन मासेस को यू नो अवेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तरह के वर्कशॉप्स होने चाहिए आई थिंक वंस ए मंथ, ताकि लोगों को ये पता लगे कि वेटलैंड्स की इम्पोर्टेंस क्या है और ये हमारी हेल्प किस तरह कर रहे हैं। और लोगों में अगर ये कॉन्सेप्ट है कि ट्रीज़ आर प्रोड्यूसिंग मोर ऑक्सीजन, तो मेरे ख्याल से कहना रॉन्ग होगा, क्योंकि वेटलैंड्स आर द मोस्ट प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन।